जय हिंद। अभी कुछ समय पहले जहां पे यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है, वहां पे चीन ने ताइवान के बॉर्डर पे एक युद्ध अभ्यास किया था, बहुत बड़ा। अब चीन जो है अपनी शातिरबाजी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। खैर, अब वो इंडियन ओशन में युद्ध अभ्यास कर रहा है पाकिस्तान के साथ जॉइंट तरीके से, और वहां की जो पीएलए की जो ईस्टर्न थिएटर कमांड है, वहां की जो नेवी है, उन्होंने फ्रिगेट जिनथैंग, कॉर्वेट शिजो, कॉम्प्रिहेंसिव सप्लाई शिप जिनथाउ, जो कि सबमरीन है, जो कि समुद्री नीचे से आती है, हैं, अंडर वाटर जा सकती है, और एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो पहले से ही खतरा भाप ले, दो फाइटर जहाज, एक हेलीकॉप्टर, उनको ड्रिल पे लगाया है। और पाकिस्तान की नेवी ने तैमूर को इसी जॉइंट एक्सरसाइज में लगाया है। अच्छा, और तैमूर जो कि सेकंड क्लास, सेकंड ऑफ द फोर टाइप 054A/P फ्रिगेट है, जो कि चाइना ने बनाई है, जो उनको डिलीवर की थी शंघाई में पिछले महीने June 23 को, अभी हाल ही में। और ये पहली शिप है जो टाइप 054A/P क्लास में आती है। और टोंगरिल, उन्होंने जिन्होंने पाकिस्तान नेवी फ्लीट में जो जनवरी में ज्वाइन किया था, अब ये युद्ध अभ्यास इसकी थीम है, ये जॉइंटली ये लोग साथ में मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स के ऊपर काम करेंगे। और जो एक्सरसाइज है, जो युद्ध अभ्यास है, उसमें ट्रेनिंग कोर्सेज होंगे और जॉइंट स्ट्राइक अगेंस्ट मैरिटाइम टारगेट्स होंगे, जॉइंट टैक्टिकल मैन्यूवरिंग होगी, जॉइंट एंटी सबमरीन वॉरफेयर और जॉइंट सपोर्ट फॉर डैमेज वेसल्स, जो जहाज युद्ध में जो खतरा मोल के जो के बर्बाद हो जाते हैं, जिनको बम हो जाती है, उसके आगे कार्रवाई क्या होगी, वो प्रोटोकॉल, वो ड्रिल्स यहाँ पे सेट होंगे। इसके अलावा जो ड्रिल्स हैं, उनका गोल है कि जो डिफेंस कॉपरेशन है दोनों देशों की, वो स्ट्रेंथन करने के लिए कंडक्ट प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सचेंजेस, जो मतलब, और ऊपर से मेन चीज है, चीन जो है वो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में बहुत भरोसा रखता है, बहुत यकीन रखता है, वो दिखाता बहुत है। तो इसमें एक मैसेज, एक संदेश भी दे रहा है कि भाई, अच्छा वहां पे बहुत पायरेट प्रॉब्लम्स होते हैं, ऐसा कहते हैं कि इनको मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट होती है, तो इस युद्ध अभ्यास से इनको कम से कम अपने ये एक्सरसाइज कर देंगे, ये अपने बॉर्डर स्ट्रेंथन कर देंगे, ऐसा इनका कहना है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं, दरअसल पूरे जो इंडो पैसिफिक है, क्वाड की स्थापना हुई थी बेसिकली चीन की जो नापाक हरकतें हैं इंडो पैसिफिक में, साउथ चाइना सी में, इंडियन ओशन की तरफ, बेसिकली उनको कर्व करने के लिए, जो कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया करेंगे साथ में मिलकर। अब इसमें हिंदुस्तान को खतरा कैसे है? नहीं, खतरा नहीं है, मगर यह है कि कहीं वो युद्ध अभ्यास करते करते हमारे इलाके में ना आ जाए, बस मेन ये है। बाकी हम किसी से डरते नहीं है भैया, हम इनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे अगर इन्होंने हमसे पंगा लिया। ये लोग हमेशा याद रखेंगे उस बात को। शुक्रिया, जय हिंद।